यरोमन अन्योंग आश्मिका। हेलो एवरीवन। दोस्तों, कल शाम से सोशल मीडिया पर आंधी तूफान या कहें कि सुनामी आया हुआ है और हर तरफ BTS के हाइट केस के बारे में बात हो रही है, जिसने ग्लोबल आर्मी को रोने पर मजबूर कर दिया है। और मैं भी प्रीवियस वीडियो में BTS के इस ग्रुप ब्रेक के बारे में आपको बता चुकी हूँ, लेकिन ग्लोबल आर्मी के रिएक्शन देखते हुए हाइप लेवल्स ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया है, तो हम आपको इस स्टेटमेंट के बारे में बताएं। उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए, जिससे BTS की कोई भी लेटेस्ट न्यूज आपसे मिस ना हो। दोस्तों, जैसा कि कल BTS मेंबर्स ने अपनी डिनर पार्टी में अनाउंस करते हुए कहा कि अब वो कुछ टाइम के लिए साथ काम नहीं करेंगे और अभी वो सोलो वर्क पर ही फोकस करना चाहते हैं, जिसका एक रीजन ये है कि उन्हें अपनी मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करनी है, जिसे वो टू ग्रुप्स में डिवाइड होकर ज्वाइन करेंगे। इजी वर्ड्स में कहें तो कोरियन मीडिया के अकॉर्डिंग अभी जिन, सुगा और RM अपनी मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करेंगे, जिसके बाद जेहो, वी, जिमिन और जोंगकुक जाएंगे। इसी बीच वो अपना सोलो वर्क भी करते रहेंगे। और दूसरा रीजन ये है कि K-pop ग्रुप्स का करियर 30 इयर्स तक ही एक्टिव रहता है, उसके बाद सभी ग्रुप्स सोलो करियर पर फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं, जो उनके फ्यूचर के लिए भी अच्छा होता है। तो इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए BTS मेंबर्स ने अपने ग्रुप ब्रेक की बात कही थी, लेकिन कल से लगातार ग्लोबल आर्मी के रिएक्शंस के बाद आज हाइव लेवल्स को एक स्टेटमेंट रिलीज करना पड़ा कि BTS मेंबर्स अलग नहीं हो रहे, वो बस अभी एक साथ ग्रुप में काम नहीं करना चाहते और सोलो करियर पर फोकस करना चाहते हैं, और जब उन्हें महसूस होगा कि अब उन्हें एक साथ काम करना चाहिए तो वो वापस एक न्यू प्रोजेक्ट के साथ आ जाएंगे। हालांकि यहाँ भी कंपनी ने ये नहीं बताया कि ग्रुप ब्रेक ये कितने टाइम के लिए होगा, क्योंकि BTS मेंबर्स ने लास्ट वैकेशन 2 मंथ्स का लिया था और अभी उन्होंने इस बात की अनाउंसमेंट कर दी है। तो जहाँ तक आर्मी समझ पा रही है तो ये ब्रेक लॉन्ग टाइम का ही होगा, जिसमें वो अपनी मिलिट्री सर्विस और अपने वर्क से ब्रेक लेकर थोड़ा चिल करेंगे। हालांकि आर्मी इस बात को लेकर परेशान है कि शायद अब उन्हें ग्रुप मेंबर्स एक साथ नजर ना आए, यानी वो वापस ग्रुप ज्वाइन ना करें। लेकिन मुझे लगता है कि एटलीस्ट 1 ईयर के ब्रेक के बाद BTS मेंबर्स कमबैक करेंगे। लेकिन इस न्यूज के वायरल होने के बाद से हाइप लेवल्स की 25% स्टॉक वैल्यू डाउन हो गई है। इन शॉर्ट, कंपनी को सिर्फ एक दिन में 1,000 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है, जो अभी भी डाउनफॉल में जा रहा है, जिसका एक रीजन ये है कि आर्मी BTS मेंबर्स को लॉन्ग ब्रेक पर नहीं बल्कि शॉर्ट ब्रेक पर देखना चाहती है। तो अब देखना ये होगा कि कंपनी और कोरियन गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेते हैं BTS मेंबर्स के मिलिट्री सर्विस को लेकर। वेल, जो भी BTS से रिलेटेड अपडेट होगी आपकी ओनी हमेशा की ही तरह आप तक पहुंचा देगी। तो बने रहिए हमारे साथ। टिल देन, टेक केयर एंड सारंगेयो।